आईएलएनएफएस केस में ऑडिटर्स डेलॉयट और बीएसआर एंड एसोसिएट्स को बड़ा झटका लगा है। इन पर पाबंदी लगाने के अधिकार को चुनौती देने वाली अर्जी को एनसीएलटी मुंबई ने खारिज कर दिया। इस मामले में एनसीएलटी अब 5 सितंबर को सरकार की दलील सुनेगी। माना जा रहा है कि दोनों ही ऑडिटर्स आज के फैसले को एनसीएलटी के अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में चुनौती देंगे। दरअसल जून में सरकार ने मुंबई एनसीएलटी में अर्जी देकर दोनों ही ऑडिटर्स और आईएलएनएफएस केस से जुड़े इनके ऑडिटर्स पर 5 साल के लिए पाबंदी लगाने की मांग की थी। आरोप था कि दोनों ऑडिटर्स ने आईएलएनएफएस मैनेजमेंट के साथ साठ गांठ कर कंपनी की असली वित्तीय स्थिति को उजागर नहीं किया। इधर मोदी सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना की आज शुरुआत कर दी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों या राज्यों में जाते हैं। उन्हें अब अपने राशन कार्ड से ही दूसरे राज्य में सस्ता अनाज मिल सकेगा। इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच की गई है। यानी महाराष्ट्र और गुजरात के लोग आपस में राशन कार्ड से सस्ता अनाज खरीद सकेंगे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग भी ऐसा कर सकेंगे। हालांकि ये योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की गई है। सरकार का लक्ष्य जून 2020 तक इसे पूरे देश में लागू करना है। सरकार की इस योजना से गरीब लोगों को बिचौलियों से राहत मिलेगी। वहीं जहां वो चाहें वो अनाज खरीद सकते हैं। ट्रेनों में अब यात्रियों के लिए शॉपिंग की सुविधा शुरू हो गई है। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के शॉपिंग ऑन बोर्ड सर्विस की शुरुआत की गई है। अब यात्री साबुन, क्रीम, तेल या खाने पीने की चीजें जैसे कई जरूरी सामान सीधे एमआरपी रेट पर ट्रेन में ही खरीद सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा मुंबई अहमदाबाद, कर्णावर्ती एक्सप्रेस और मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस में शुरू की गई है। शॉपिंग ऑन बोर्ड यात्रियों को कितनी पसंद आ रही है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। रेल सफर के दौरान यात्रियों को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए रेलवे ने एक नई शुरुआत की है, जिसे नाम दिया है ऑन बोर्ड शॉपिंग। यानी सफर के दौरान ही आप ये देख सकते हैं, जो ट्रॉली है आपके पास आएगी और इसमें अलग अलग तरह की चीजें हैं, जैसे FMCG प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, वॉलेट्स हैं, मोबाइल एसेसरीज है। और ये जिस तरह से जब फ्लाइट का एक्सपीरियंस होता है उसी तरह का एक्सपीरियंस देने की एक कोशिश की है। इसकी शुरुआत कल से की गई है। मुंबई से लेके अहमदाबाद का जो रूट है वहां पर 2 ट्रेनों में इसकी शुरुआत की गई है। कर्णावटी एक्सप्रेस और डबल डेकर एक्सप्रेस है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। तो कुछ जो पैसेंजर्स है उन्हीं से मैं समझता हूँ, ये जो नया प्रयोग है रेलवे का, आप इसे कैसा देखते हैं? एक अच्छी शुरुआत है। जैसे कि कई बार हम लंबे ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं और छोटी मोटी चीज़ें लेना भूल जाते हैं, लाइक चार्जर है या तो फिर पावर बैंक है या जो भी FMCG की प्रोडक्ट है। तो एक रूटीन के तौर पे बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है, मोबाइल के बिना आजकल किसी को नहीं चलता। तो ये ऑन बोर्ड अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है और बिल्कुल ये एक फ्लाइट जैसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे अगर आप, और कई बार क्या होता है कि भूल जाते हो तो जल्दबाजी में आपको उतर कर स्टेशन से लाना पड़ता है, तो कई बार उसमें एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऑन बोर्ड शॉपिंग का जो रेलवे का प्रयास है, इसको कस्टमर्स जो है या जो पैसेंजर्स है वो स्वागत कर रहे हैं। और इसमें आप जो है डिजिटल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, यानी पेटीएम, गूगल पे और जो दूसरे प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। और जो MRP से ज्यादा कीमत नहीं वसूली जाएगी, जो वेंडर है उनका कहना है कि जो कीमत वसूली जाएगी वो MRP से कम ही वसूली जाएगी। आप इसको कैसा देखते हैं कि MRP से आपको कम ही देना है पेमेंट? ये भारत सरकार और अपने भारतीय रेल का यात्रियों के लिए एक अच्छा तोहफा है और एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो अच्छा महसूस हो रहा है कि अपना देश कुछ आगे बढ़ रहा है और ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, डेली यूज़ की प्रोडक्ट है, तो जो यात्री को हर दिन चाहिए ही, तो और MRP से भी कम रेट में मिल रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो जो पेमेंट करना है आपको उसके लिए इसके थ्रू ही पेमेंट कर, इसकी रिसिप्ट भी दी जाएगी। और जो यात्रियों का फीडबैक यही है कि जो जरूरी